Good morning students, ये है आपकी class 3 की book environmental studies CBSE जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था और आज आगे की topic कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था आज हम लोग आगे की topic पढ़ेंगे family relation में पारिवारिक संबंध all the members of a family are related to each other family में जितने ही members होते हैं वो एक दूसरे से related होते हैं जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी भाई बहन हम लोग सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक दूसरे से related होते हैं all the relatives on your father's side are your paternal relatives मतलब आपके father के side के जितने भी relatives हैं उसको हम लोग paternal relatives बोलेंगे जैसे कि grandfather grandmother uncle aunties आगे हम लोग paternal लगाएंगे paternal grandfather paternal grandmother paternal uncle paternal auntie इन लोगों को हम आगे हम लोग पैटर्न लगाएंगे फादर साइड जो है उनके आगे रिलेटिव्स के आगे ऑल द रिलेटिव्स ऑन योर मदर साइड और योर मैटरनल रिलेटिव्स और आपके मदर साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके आगे हम लोग मैटरनल लगाएंगे जैसे कि मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडमदर मैटरनल अंकल मैटरनल आंटी इन सभी के आगे हम लोग मैटरनल लगाएंगे और फादर में इन सभी के आगे हम लोग पैटर्नल लगाएंगे फादर साइड के आगे पैटर्नल और मदर साइड के आगे मैटरनल अब अगला टॉपिक है हमारा पेरेंट्स पेरेंट्स मीन्स माता पिता हम लोग हमारे जो भी माता पिता होते हैं उसे हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं वंस मदर मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन किसी भी बच्चे के माता पिता को उसके पेरेंट्स बोलते हैं उसके मम्मी पापा बोलते हैं जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे पेरेंट्स हुए इसी तरह कोई भी बच्चे के मम्मी पापा उसके पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन पेरेंट्स अपने जो बच्चों की देखभाल करते हैं हमारे मम्मी पापा हमारे देखभाल करते हैं ठीक उसी तरह से हर पेरेंट्स अपने बच्चे की देखभाल करते हैं केयर करते हैं अब अगला टॉपिक है हमारा ग्रैंड फादर फादर्स फादर इज कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंड फादर मतलब आपके पापा के पापा आपके पैटर्नल ग्रैंड फादर हुए मतलब आपके दादा अपने दादा को हम लोग पैटर्नल ग्रैंड फादर बोलते हैं मदर्स फादर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड फादर और मम्मी के पापा को हम लोग मैटरनल ग्रैंड फादर बोलते हैं मतलब आपकी नाना हम लोग अपने नाना को मैटरनल ग्रैंड फादर और दादा को पैटरनल ग्रैंड फादर बोलते हैं अब अगला टॉपिक है ग्रैंड मदर फादर्स मदर इज कॉल्ड पैटरनल ग्रैंड मदर हम लोग फादर के मदर को पैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं मतलब अपनी दादी को हम लोग पैटरनल ग्रैंड मदर बोलेंगे और मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड मदर मदर के अपने मम्मी के मम्मी को हम लोग मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी बोलेंगे तो हम लोग अपनी नानी को मैटरनल ग्रैंड मदर और दादी को पैटरनल ग्रैंड मदर बोलेंगे अब अगला टॉपिक है हमारा अंकल द ब्रदर्स ऑफ वंस फादर और मदर आर कॉल्ड अंकल्स अपने पापा या मम्मी के भाई को हम लोग अंकल बोलते हैं द हस्बैंड ऑफ वंस पेरेंट्स सिस्टर आर कॉल्ड अंकल्स क्योंकि यहाँ पे होगा किसी पेरेंट्स के सिस्टर के हस्बैंड को उसके अंकल बोलते हैं तो अगला टॉपिक है आंट द सिस्टर ऑफ वंस पेरेंट्स आर कॉल्ड आंट और पेरेंट्स के सिस्टर को उसका आंट बोलते हैं द वाइफ ऑफ वंस पेरेंट्स ब्रदर आर आल्सो कॉल्ड आंट्स यहाँ पे तो दो पेरेंट्स के जो ब्रदर्स के जो वाइफ होते हैं मतलब मम्मी पापा के भाई के जो वाइफ होते हैं उनको हम लोग आंट बोलते हैं अब अगला टॉपिक है कजन द चिल्ड्रन ऑफ वंस आंट्स एंड अंकल आर कॉल्ड कजन दे आर फन टू बी विथ हम लोग जो है आंट और अंकल यानी हमारे चाचा या चाची या मामा या मामी के जो चिल्ड्रन होते जो बच्चे हैं उसे हम लोग कजन्स बोलते हैं दे आर फन टू बी विद ये हम लोग वे लोग साथ में रहते हैं मस्ती करते हैं अब अगला टॉपिक है फैमिली ट्री इट टेल्स अस अबाउट द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली या फैमिली में मेंबर्स के बारे में बताता है हमारे फैमिली में जो भी मेंबर्स है जो भी सदस्य हैं उसके बारे में बताता है ए फैमिली कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरेशंस फैमिली को हम लोग जनरेशंस में डिवाइड करते हैं जनरेशंस में सब पीढ़ी जैसे हमारे दादा दादी फिर मम्मी पापा फिर उसके बच्चे इसी को बोलते हैं जनरेशन में डिवाइड है जनरेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल बॉर्न अराउंड द सेम टाइम इन ए फैमिली जनरेशन जो है वो पीपल का वह ग्रुप है जिसमें फैमिली में जो भी एक समय में जन्म लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यू योर सिबलिंग्स एंड कजन्स बिलोंग टू द यंगेस्ट जनरेशंस जैसे कि तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे कजन्स मम्मी फुफेरे भाई बहन वो लोग जो है यंगेस्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं आपके जनरेशन से बिलोंग करते हैं एक ही सेम टाइम में है ये उसी को हम लोग जनरेशन बोलते हैं एक ही सेम टाइम में एक ही से बिलोंग करने वाले को जनरेशन कहा जाता है
योर पेरेंट्स देयर सिबलिंग्स एंड कजन्स बिलोंग टू द जनरेशन बिफोर यू, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स और कजन्स वो जो है बिफोर जनरेशन बिफोर यू से बिलोंग करते, मतलब तुम आपके जो जनरेशन है उसके पहले वाले जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और हम लोगों की जनरेशन में से बिलोंग नहीं करते। हम लोग की जनरेशन में हो गए हम लोगों के भाई बहन, सिबलिंग्स, कजन्स, ये लोग हम लोग की जनरेशन हो गए, और मम्मी पापा, उसके भाई बहन, ये लोग दूसरे जनरेशन हो गए। उन लोगों का जनरेशन दूसरा है, उन लोगों के जनरेशन से हम लोग बिलोंग नहीं करते, और हम लोगों की जनरेशन से मम्मी पापा बिलोंग नहीं करते। हम लोग का जनरेशन दूसरा हो गया, और मम्मी पापा और उनके भाई बहन लोगों का जनरेशन दूसरा हो गया। तो योर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ योर पेरेंट्स, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो बिलोंग करते हैं आपके पेरेंट्स से भी पहले की जनरेशन में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड जनरेशन देख लिए, पहले आपके दादा दादी के जनरेशन, उसके बाद हमारे मम्मी पापा के जनरेशन, और हमारे खुद के जनरेशन। तो यहाँ पे हम लोग तीन जनरेशन देख लिए। तो इसी को हम लोग जनरेशन बोलते हैं कि हमारे दादा दादी के जनरेशन से वो हमसे बिलोंग नहीं करेंगे, फिर हमारे मम्मी पापा के जनरेशन हमसे बिलोंग नहीं करेंगे, खुद का उनका अलग जनरेशन है। हमारे दादा दादी का जनरेशन अलग है, हमारे मम्मी पापा का जनरेशन अलग है, और हमारा खुद का जनरेशन अलग है। तो हम तीनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि तीनों एक नहीं है, तीनों का जनरेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर से फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपको करना है। माय मदर्स ब्रदर इज माय, आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे सो लिखना है। और दूसरा है माय पैटर्नल ग्रैंडफादर्स वाइफ इज माय, आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर की वाइफ आपकी क्या लगेंगे। और तीसरा है माय मैटर्नल आंट सन इज माय, आपके मैटर्नल आंट के सन आपके क्या लगेंगे सो लिखना है। तो यहाँ पे मैटर्नल आंट हो गए मतलब आपके मामा मामी या चाचा चाची, और पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए आपके पापा के साइड के दादा दादी। तो ये तीनों वर्क आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही।